ओम शांति। आज की तारीख है 5/11/2022। आज की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है, सबसे प्रेम से रहना है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। एक बार बेहद का संन्यास कर घर गृहस्थ में रह के कमल फूल समान पवित्र बन 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। प्रश्न है आज की मुरली से, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम जैसे रूहानी यात्रा पर हो। उत्तर, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाबा हमको यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव मध्याची भव है। यही रूहानी यात्रा है जो हमें शिव बाबा सिखलाते हैं। प्रश्न है दूसरा आज की मुरली से, सदगति के लक्षण कौन से हैं। उत्तर, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये जो महिमा है यही सदगति के लक्षण हैं जो तुम्हें शिव बाबा द्वारा ही प्राप्त होते हैं। 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, यही सदगति के लक्षण हैं जो शिव बाबा इस संगम पर आकर हमें देते हैं। गीत है आज की मुरली से, धीरज धर मनवा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है, ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। माना किस घर गृहस्थ में रहते मोह में फंसने से अपनी संभाल करनी है। दूसरा है, गृहस्थ व्यवहार में सबसे तोड़ निभाना है, किसी से नफरत नहीं करनी है। हमारा ये हठ योग नहीं है, हमारा है राजयोग। तो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासियों का होता है हठ योग, वो जाकर घर गृहस्थ छोड़कर संन्यास करते हैं, और बाबा हमें घर गृहस्थ में रह के पवित्र रहने की शिक्षा देते हुए 21 जन्मों के सुख का बरसा देते हैं। तो हमारे योग में, हठ योग में और राजयोग में, हमारा जो राजयोग है उसमें बहुत अंतर है। बाबा कहते हैं, तो कहते हैं किसी से नफरत नहीं करनी है, गृहस्थ में कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बनकर सबको आस्तिक बनाना है। वरदान है आज की मुरली से, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रख कर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल, माना छोटे दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमज़ोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता भी संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। किसी भी कारण की क्यों लगने से, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। इस देह से निकलने आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर उस शांति के धाम में, उस मोक्ष के धाम में, वो अविनाशी सर्जन परमात्मा शिव आज मुझे आत्मा के समस्त विकारों को दग्ध कर रहे हैं। बाबा से आती है शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें
मेरे एक एक विकार को जलाकर भस्म कर रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बनती जा रही हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। बाबा मुझे सातों गुणों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा से आती ये सतोगुणी किरणें मुझे आत्मा में भरती जा रही हैं। मैं आत्मा सतो प्रधान बन गई। मेरी खोई हुई शक्तियां पुनः वापस हो गई। शांति धाम में मैं आत्मा, शांति धाम की सारी शांति मुझे आत्मा में समा गई। बाबा से संपूर्ण पवित्रता की किरणें लेकर मैं आत्मा धीरे 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 पुनः नीचे की ओर आती और समा जाती अपने इस मस्तक में। ओम शांति।